بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي वही वर्क आज का हमारा इस्माइली हजरा हमें शर्क और तोहीद के अहकाम को बयान फरमाते हैं और वो इस्तलाल करते हैं इस्माइली मिशनरी आफ्ताब हुसैन के एक मकाल में शर्क का पोशीदा पहलू जो कि यूट्यूब पर Smiley विजडम नामी एक यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा और ये वो मकालमा था जिस पर आफताब हुसैन ने अपनी तमाम तर तालीमात का बुनियाद बुनियादी असर वहाँ से रखा वहीं से शुरू किया आफताब हुसैन साहब जो हैं आफताब हुसैन साहब जो हैं वो अपने आप को ना मिशनरी कहते हैं ना अलवाइज कहते हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ना अगर ये मिशनरी हैं ना ये अलवाज हैं तो फिर इस्माइली पर इनके कई सारे मकाल में जैसे कि हज की असल तावील इस्माइली तालीमात शिक्क का पोशीदा पहलू इस्लाम दीन फितरत ये तमाम वो तमाम तर मजामी हैं जो इन्होंने कवर किए और इस पर ये इन्होंने अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए जब हमने ये अप तमाम चीजें अपने उमाए कराम की नजर में रखी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की जिसकी गलत तशबीहात और तावीलात की गई गलत तशरीहात की गई आज हम इस्माइली हजरात के सामने शर्क का पोशिदा पहलू आफ्ताब हुसैन का मकालमा उसके चंद हिस्से रखते हैं जो सवाल उन्होंने उठाए और जिस पर उन्होंने अपने मजहब की बुनियाद बनाना शुरू की है मौलाना कासिम हमारे पास मौजूद हैं अलहमदुल्ल इनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे वीडियो के बीच के हिस्से चलाते रहेंगे और कुछ सवाल जो मैंने इस मकाल में से निकाले वो भी मौलाना कासिम साहब के पास रखेंगे वालेकुम मौलाना साहब वाले व वरक जी मौलाना कासिम साहब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मेरी कोशिश आज ये है कि एक घंटे के अंदर अंदर हालांकि ये जो यूट्यूब का इनका मकालमा है ये एक घंटा 45 मिनट का है लेकिन हम लोगों को नॉलेज मुकम्मल तौर पर देने के लिए प्रोग्राम के हिस्से बनाएंगे आज इसका पहला हिस्सा है पहले हिस्से में आफ्ताब हुसैन की पंद्रह मिनट की वीडियो में जितने सवाल बनते हैं उनका आगाज करते हैं मौलाना कासिम साहब प्रोग्राम का आगाज करें कि आप कुछ पहले तमीद बांधेंगे इसके हवाले से जो श्रिक का पोशीदा पहलू वीडियो है उसको मैंने सरसरी सा मैंने भी सुना है बहुत तवील है डेढ़ घंटे की उसका जवाब तकरीबन तीन या पांच घंटे का बनेगा तो सुनने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और टाइम देकर भी लोग नहीं सुनेंगे तो ये अच्छा फैसला है कि हम इसको ओ, वीडियो में जवाब दे ताकि सुनने वालों के लिए आसानी हो जो शख्स जो हिस्सा सुनना चाहे आसानी से उसको सुन सके और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम टाइम में इसको हम मुख्तसरन इसको मुख्तर तक पहुंचाए ठीक है।, है अच्छा मौलाना कासिम साहब इसमें एक और चीज है कि कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तफसी दरकार हो अगर ऐसा कोई सवाल मैं आपसे कर बैठू या इस प्रोग्राम में इस वीडियो में हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसका अलग से एक और वीडियो बना सकते हैं जरूरी नहीं कि हम उसे आज ही जवाब दे ये भी कर सकते हैं लेकिन ये मेरा सजेशन है बाकी आप बेहतर जानते हैं प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इनके पहले सवाल से बिसम और हैं की रिसालत को तस्लीम करके मुसलमान हो जाता है तो वो खुदा के साथ किस बुनियाद पेश करेगा आप इस कुलिये को समझें कि सबसे पहले रसूल की सालत का इकरार का जो तस्वूर है यहाँ तक जितने भी अध्यान हैं उनका खुदा के बारे में कोई भी तस्वूर हो उनके बारे में खुदा ताली कुछ फिर शाती फरमाएंगे क्योंकि यहाँ पे बुनियादी बात रसूल सलम की रसालत की है रसालत पर जो इकरार करेगा रसालत का जो इकरार करेगा जो रसूल को आखिरी नबी मानेंगे और उसके बाद मुसलमान होने के बाद वो शख्स किस तरह कह सकता है कि ये भी खुदा है इसके अलावा भी कुछ खुदाएं हैं तो वो किस बुनियाद पर खुदा के साथ शिरक करेगा और दूसरा ये है कि शिरक हमेशा हम जिन्स अशिया में हो सकती है जी, जी। मोहाना पहले एक सवाल का जवाब दे देते हैं क्योंकि अभी वो हम जिन जो आ जाएगी जी, जी पहले इनका सवाल बना कि एक बंदा अल्लाह पर ईमान रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के करार करने के बाद वो किस तरह शिरक कर सकता है यानी जो शख्स मोमिन बने अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुशरिक हो ही नहीं सकता कलमा को मुसलमान मुशरक नहीं हो सकता ये इनका दावा है तो ये हम उसको कुरान पर पेश करते हैं कि क्या कलमा पढ़ने के बाद एक अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी इंसान मुशरिक हो सकता है या नहीं इसने भी सवाल उठाया यही सवाल हमने जब कुरान पर पेश किया कुरान में देखा तो सूरा यूसुफ आयत नंबर 106, सौ छह सुबह का इशाद है इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते भी है और शर्क भी करते हैं आयत ने बिल्कुल मशनरी साहब भी यही तर्जुमा करेंगे मैं भी यही तमाम फसरीन सब यही तर्जुमा करेंगे अरबी इन आयात का इसके अलावा कोई तर्जुमा बन ही नहीं सकता है कोई भी तशरीफ करने वाला हो अरबी के बिल्कुल आसान अल्फाज है इसमें कोई अहादीस वगैरह लाने की भी उनके साथ तर्जुमा करने की भी इस आयत को जरूरत नहीं है क्योंकि अब बिल्कुल बेसिक सेंटेंस आम फहम मायूम अक्सर उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते भी है शर्क भी करते हैं आयत ने वाजह कर दिया के भी ईमान लाने के के बाद हो सकता है अल्लाह साथ अपने जहन में अकीदे में किसी को शरीक करे शरीक करने के जुर्म करके वो मुशरक हो सकता है एक आयत ये पेश की मैंने इसके जवाब में कुरान की दूसरी आयत सूरतम की आयत नंबर एम बिसमान वो लोग जो मोमिन बने ईमान लाए उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को मुलविस नहीं किया नहीं मिलाया कहमतुल वही अमन में है वही हिदायत याफ्ता है जब यह आयत नाजिल हुई छोलि तीन सौ सताईस से पूछा कि साहब परेशान हो गए कि वो कौन बंदा हो सकता है जो ईद जरा झुलम न कर जिसने म न किया हो जरा बराबर भी अमूमन यानी किराम इसकी आयत के नाजिल होने के बाद परेशान हो गए पर हो सकता है जिसने जरा बराबर भी गुनाह न किया हो जिसने न किया हो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा हिदायत याफ्ता नहीं होगा वो तो रसोल वसम ने शिर तो है तो 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 ये जो दो हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस नंबर मैंने बता दी है अब्दुल्ब ने मसूद रदील्ला तारह को वाजह कर दिया रसोलम ने कि यहाँ से जुलम से मुराद गुनाह नहीं यहाँ जुलम से मुराद शिरक है तो देखो यहां भी कहा जा रहा है कि मोमिन होने के बाद इंसान अपने ईमान के साथ शर्क को न मिला वो हिदायत याफ्ता है इससे पता चला कि मोमिन भी मुशरक हो सकता है ईमान के साथ शर्क को मुलस किया जा सकता है तो रसूलुल्लाह रसोलम की इस तशरीह ने वजह कर दिया एक कलमगु मुसलमान भी अपने ईमान के साथ शिरक का अमेजस कर सकता है अलबत् उम्मत के अक्सर लोग इस फितने से इस शिरक से महफूज रहेंगे ये दो आयतें हो गई तीसरी आयत की तरफ आते हैं यहाँ पर तीसरी आयत में एक आयत नहीं है सूरतम तो तो आयत नंबर चौरासी पिछासी छियासी सतासी अठासी एटी फोर से लेकर एटी एट तक मेरे जो मुस्तदिल है जिसे मैं दलील पकड़ता हूँ वो आखिरी आयत का दूसरा हिस्सा है लेकिन मैं चूंकि पीछे तमाम आयत का ताल्लुक इससे है यहाँ पर अल्लाह सुबहान तठारह बियाल सलात वाम का जिक्र फरमाया विल का ना आते ना इब्राहिम अला कौमी यहाँ से शुरू हो जाता है नर्फ उदर इनके दर्जात को हम बुलंद करते हैं वहनाशाक़ याकूब हमने उनको इसहाक़्स याकूब दिए कुल्ला हदैना सबको हमने हिदायत दी व नूहन और नूह सलाम हदैना हमने उनको भी हिदायत दी कबल अति उनके औलाद में से दाऊदान व्यूबाफ मूसा वारून वाल मोहसिन इसी तरह हमने की मोहसिन को बदला देते हैं

उनके भाइयों में से बाज को वज तबई ना हो हमने उनको चुन लिया वहादही ना हो मिला मुस्तकीम उनको हमने हिदायत दी सीधे रास्ते की तरफ यहां तक बातचीत सब अंबिया की चल रही यहाँ आकर जिक्दुल्ला भी महीशा सीधे रास्ते की तरफ यह हिदायत अल्लाह की तरफ जालिक्दुल्ला सीधे राह की हिदायत कर दी ये अल्लाह तदायत है हद्दुल्ला यह दी भी महेशा वो जिसे चाहे उसके जरिए अपने बंदों में से हिदायत दे देता है मीन इबादी यहां से मेरे मुस्तिल आए शुरू हो रही है इन तमाम अठारह बरगजीदा अम्बिया करामलातम के जिक्र के बाद अल्लाह सुबहान तला फरमा रहे हैं वलू अशरकू लुम मन यामुन अगर वो लोग भी श्रिक करते तो जाय हो जाते अन हम उनसे माकन यामून जो वो अमल करते हैं यानी अठारह अम्बिया के बाद उनके बुजुर्गी उनकी हिदायत उनके बुलंद मरतबा उलू शान कामयाबी के जिक्र के बाद कहा जा रहा है कि अगर वो लोग जरा भी शर्क करते तो उनके तमाम अमाल अकारत हो जाते बर्बाद हो जाते देखिये अम्बिया सलाम के लिए आम ममिन नहीं है इनके लिए कहा जा रहा है कि वो शर्क करते पता चला कि वो भी शर्क कर सकते थे लेकिन किया कभी भी नहीं उन्हें वो उन्होंने कभी भी शिरक वाला अमल नहीं किया इसीलिए वो कामयाब रहे इसके बाद इससे भी आगे बढ़ते हैं सूरत जुमर है सूरत जुमर आयत नंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ वही की आपसे पहले भी अम्बिया की तरफ हम वही करते रहते हैं इसी तरह बात पहले अम्बिया के, के साथ भी की थी हमने बिल महाल अगर आप शिर करते तो तुम्हारे तमाम अमाल अकारत हो जाते बर्बाद हो जाते वत निन और तू जो है ना खसारा पाने वालों में से होता खसारा नुकसान उठाने वाले और खसारा का मुफसरी जहन्नम भी इसकी तफसी में जिक्र करते हैं कि खसारे से मुराद जहन्नम है यहाँ न सुन सो अल्लाह सुबहन तुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर रोए कायन में तमाम इंसानों से तमाम जिन्ना फरिश जितने मखलूक सबसे अफजल तरीन इमामबिया इमाम कायनात सल वसल्लम उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपसे भी अगर शर्क होता तो आमाल सब के साथ अकारत हो जाते बर्बाद हो जाते नुकसान उठाते आप तो देखें ये किनसे कहा जा रहा है अम्बियातम और इमाम इमाम्बिया से भी कहा जा रहा है कि आपने शरिक और कामयाब रहे और अल्लाह सुबहान तला के साथ किसी को शर्क नहीं ठहराया इसलिए कामयाब रहे तो देखो ये भी इस आयत से भी पता चलता है कि आम इंसान तो दूर की बात है अंबियाली सलात से भी ये फेल अकलन मुमकिन था सादिर हो सकता था लेकिन कभी हुआ नहीं उनसे ये जो चार आयतें हैं इंसान को समझने के लिए एक बात को मानने के लिए कुरान की एक आयत सामने आए काफी है एक मोमिन हो अल्लाह का मुतिफ फरमानबरदार इंसान हो वो कहते आमन्ना वसलमना मैंने चार मजबूत आयतें डायरेक्ट डायरेक्टीट पर उसके अलावा एक मकाम पर छह आयतें मैंने पेश की अब मैं हदीस की तरफ आता हूँ ये किताबुल जनाइज सही मुस्लिम किताबुल जनाइज हदीस नंबर दो हजार एक सौ अठानवे इसमें है हदीस मैंने तर्जुमा पढ़ता हूँ जिस मुसलमान के जनाजे में रसुल्लाम ने फरमाया जिस मुसलमान के जनाजे में चालीस ऐसे बंदे शरीक हो जो शिरक न करते हो जो अल्लाह के साथ शर्क न करते हो तो उस बंदे के बारे में उनकी सफारिश अल्लाह सुबहान तला कबूल कर देता है नमाज जनाजा एक दुआ है ना मगफिरत की अल्लाह उस बंदे की अल्लाह से गोया कि लोग आके सफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह इसकी मफिरत फरमा आखिरत के मराहल आसान फरमा इन लिए, इनके लिए इनकी कब्र को कुछ जन्नत का बाग बना ये दुआ सफारिश है मोमिन की तो इस में कहा जा रहा है कि चालीस ऐसे बंदे उस जनाजे में शरीक हो जो अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते तो पता चला भाई जनाजे में कौन आते हैं काफिर आते हैं नाफिकीन आते हैं नहीं जनाजे में मुसलमान ही आते हैं तो ऐसे मुसलमान हो जो शर्क ना करते हो सफारिश कबूल है तो पता चला मुसलमान मोमिन शर्क कर सकता है मुशरिक हो सकता है तभी उनके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मुशरिक ना हो एक मौके पर एक मौके पर एक सहाबी ने आकर कहा मुहमद अल्लाह चाहे और जो मुहम्मद वसल्लम चाहे फ़ौरन अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अजाल नील क्या तू मुझे अल्लाह के साथ शरीक करता है सहाबी से कह रहा है सहाबी से शर्क हो सकता है तभी तो उसे क्या कहा जा रहा है कौन है है ये मत कहो कि माशा अल्लाह माशा मोहम्मद बल्कि कहो माशाह अल्लाह अल्लाह सुबहन जो चाहता है अकेला अकेला अल्लाह का नाम ले लो मेरा नाम अल्लाह के नाम के साथ इस मसले में शरीक मत करो मना फरमाया गया तो ये जो हादिस है दो इनसे भी पता चला कि एक मोमिन एक मुसलमान ईमान रखने के बाद अल्लाह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद भी मुशरिक हो सकता है दूसरा सवाल जी दूसरा सवाल, दुसरे सवाल में दूसरा सवाल इसी का इनका चला दूं वीडियो पे जी चला दीजिए कि जो सवाल है एक सेकंड जी गुंजाइश यानी एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बराबरी कर सकता है किसी दरख्त या पहाड़ या समंदर या समंदर के साथ कोई भी जीशूर इंसान बराबरी किसी भी मंतब से कर ही नहीं सकता लिहाजा कोई रसूल सलम की रसालत और खुदावंद की वहादत को कबूल करे तो वो किस बुनियाद पर खुदा के साथ किसी को शरीक करेगा इससे वाज होता है कि शिव को समझने के लिए खुदा रसूल सलम के अहकाम को ज्यादा तजर से देखने की जरूरत है चीजों में ही शिरक हो सकता है इसका जवाब ये ये जो है ना शिरक हम जिन चीजों में होता है ये इनका अपना अख्तराह है उनकी अपने जहन की गड़ी हुई चीज है अच्छा ये ये सिर्फ इसलिए किया ताकि लोगों को शक में डालें इनके इस उसूल को ले ले दुनिया में कोई मुशरिक नहीं रहेगा एक बात ये यहन रखे ना एक होता है खारिज एक होता है जहन, जहन, अकीदा अकीदे का ताल्लुक जहन से होता है जहन इंसान के अंदर एक मल का ला सुबह तखा है ठीक है वो एक मल का इंसान के अंदर जहन जो है अकल जो है एक ही इससे खारिज चीज जिसको मतलब हम छू सकते हैं टच कर सकते हैं तो ये जो अकायद होते हैं ये जो है ना इसका ताल्लुक जहन से है खबारिश की अशिया से नहीं होता है एक ये नुकता जहन में रखे दूसरी बात यह है कि इनके उस, इस उसूल को एक मिनट के लिए बिलफरज मान लिया जाए कि हम जिन्स अशिया में शिरक हो सकता है हम जिन्स अशिया नहीं है जैसे कि अल्लाह सुबहान तला का हम जिन्स कोई नहीं है वलमकुल्ला कुफानाहत इन्होंने भी दलील के तौर पर पेश की अल्लाह सुबहान तला हम जिन्स कोई नहीं है तो लिहाजा उसके साथ शर्क नहीं हो सकता है इस उसूल को ले लिया जाए तो दुनिया में कोई मुशरक नहीं रहेगा कोई भी नहीं रहेगा देखिये ईसाई क्या कहते हैं इस्लाम अल्लाह का बेटा है तो भाई उसका हम जिंस कोई नहीं हो सकता है लिहाजा ईसाई मुशरक नहीं हुआ वकाल यहूदी कह रहे कि अल्लाह तआला का बेटा है भाई अल्लाह का कोई जिंस नहीं है लिहाजा इसका बेटा नहीं हो सकता अल्लाह का यहूदी भी मुशरक नहीं थे रहे अच्छा हिंदुओं के पास जाते हैं ये अरब के मुशरकिन कहते थे ये लात ये उज्जा ये मनात ये जो है ना अरे ये ये देते हैं ये करते हैं अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, थे तो अल्लाह का कोई हम सर नहीं हो सकता इसके मुताबिक हो सकती है, तो है। शिरक नहीं हो सकता है अच्छा इसको ले लिया जाए ये जो हिंदू है बेल दे, को गाय को बंदर को कुत्ते को इसको उसको तमाम चीजों को वो भगवान मान के अल्लाह के साथ शरीक करते हैं तो इस उस इनके उसूल पर आ जाए अल्लाह का हम नहीं ही है लिहाजा शर्क नहीं हो सकता है तो काफिर की तरफ से भी शर्क नहीं हो सकता है हाँ रिसालत का इनकार कर रहे हैं तो वो न मानने से कुफर हो गया शर्क तो नहीं हुआ इनके इस उसूल को ले लिया जाए दुनिया में कोई भी मुशरक नहीं हो सकता है अगर हो सकता है तो ये आकर बताए फिर शिर की तारीफ करे वो क्या है फिर बता दे वो क्या हो सकता है ठीक है ना इसलिए इनका उसूल मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं शायद आपको ये बात समझ आ रही है कि इनके उसूल को लेकर लिया जाए दुनिया में कोई फर्द कोई शख्स मुशरक नहीं हो सकता है खारिज को देखा जाए उसके हम जिस चीज को खारिज में जिसका वजूद है उनको देखा जाए अब आते हैं अकीदे की तरफ अकीदा इंसान से सवाल इसलिए होगा कि उसने अपने जहन में क्या अकीदा बनाया है अपने जहन के लिहाज से अपने अकीदा की बुनियाद पर क्या उसने अपने जहन में किसी फर्द को किसी शख्स को अल्लाह के सिफात में जात के में बराबर मानने की कोशिश की है या नहीं अगर की है जहन में हो तो नहीं सकता नहीं। कोई भी अगर इसने किया है अपने जहन में इसने जुर्म किया है यही शिरक है इसको शिरक कहा जाता है क्योंकि इसने अपने जहन में अपने अकीदे के मुताबिक किसी को अल्लाह व तआला के हम जिन या उस जैसा सिफात में ज़ात में उलूहियत में अबूदीत में ताज़ीम में अजमत में इज्जत में बराबर करने की इसने अपने जहन में कोशिश की अकीदे में ये तो जहन से ताल्लुक रखता है खारिज से नहीं चलो इसको समझाने के लिए पहाड़ समंदर का जिक्र किया मैं हम जिन्स जिन्स उसे कहते जिन्स और नौ और फसल की मैं तारीफ नहीं करता हूँ बात लंबी हो जाएगी आमतौर तो तो पर जो जिन्स है, आप लोगों के जहन में जो बात आ रही ना मैं मनतखी फलसफी तारीफ नहीं लाऊंगा मुश्किल हो जाएगा आप जहन में ये लाए कि देखिए एक कुत्ता है एक इंसान है ठीक है ना एक बिल्ली है कुत्ता अलग जींस बिल्ली अलग इंसान अलग तो एक बनाया बड़े बर्तन में गोश्त तो हजरत इन इंसान खा रहा था उसके साथ कुत्ता आया उसने उसके सामने डाला उसने भी खा लिया बिल्ली आई उसने भी खा लिया देखो खाने में सब शरीक हुए के नहीं अगर ये खारिज की चीजों की मिसाल देता है तो देखो खाने में मुख्तलिफ जींस होने के बावजूद नफ्स खाने में सब शरीक हो गए आगे सफर कर रहे पुल है पुल पर से पहले इंसान गुजरा फिर उसके पीछे गधा गुजरा उसके पीछे कुत्ता गुजरा उसके पीछे मर्द उसके पीछे खातून बच्चा देखिये मर्द औरत अलग जींस है और जो है ना जानवर कुत्ता बिल्ली वगैरह सब अलग अलग जींस है अच्छा उसके साथ कुछ लकड़ियां भी उठा कर ले गए वो तो फिर नबाता थे वो भी उनको उठाकर गाड़ी में डाले तो पुल से गुजरे पुल से गुजरने में तमाम चीजें शरीक है अगर आप अकायद ज़हनिया जहन से बाहर निकल कर खारिज में आते हैं तो खारिज में आकर देखा जाए तो ये सब चीज़ मुरूर में इस पुल से गुजरने में तो शर्क हो गए फिर तो गैर जीन्स मुख्तलिफ जीन्स होने के बावजूद देखिए शिरकत पाई जा रही है इसमें शिरकत गैर में भी पाई जाती है खारिज की बात की जाए हाँ हम तो ये दावा तो हम भी करते हैं अल्लाह सुबह के हम जिन दुनिया में कोई चीज कायनत में ऊपर नीचे अर्श में फर्श में कोई नहीं है बावजूद इसके इंसान अपने जहन में अपने अकल में अपने सोच में अपने अकायद में फिक्र में किसी को भी अल्लाह के साथ वो शरीक करने की कोशिश करता है इस कोशिश को श्रिक कहते हैं ये जो अपने जहन में कर रहा है इसे शिरक कहा जाता है उससे नहीं कि उस चीज को बढ़ाकर खारिज में बना के अल्लाह के कि बराबर किया ये तो हो ही तो नहीं सकता ये तो मुमकिन ही नहीं है लेकिन इंसान अपने जहन में शिरक कर सकता है इसी तरह समंदर की मिसाल दी इसने समंदर को तो ले ले लगे हम कहते हैं समंदर बहुत ज्यादा है एक दफा आम नाले से ज्यादा पानी आया तो इंसान ने कहा कि समंदर आ रहा है आम मकदार से बढ़ गया नाले से पानी तो बह रहा था वो सैलाब आ गया सैलाब आया इतना नहीं था समंदर जितना क्या कह रहा है कि वो बंदा कहता है कि समंदर आ गया समंदर कितना आ रहा है सैलाब का ओ हो समर हालांकि ये समंदर जैसा भी नहीं न गहराई है न इसके ऐसे मोजे हैं न लेकिन ये उससे तशबीह दे रहा है गोया तो के, तो के इस पानी को उस समर के साथ तशबीह तो दे रहा है तस्बीह में दोनों को बराबर कर दिया उसने अपने जहन में अपने राय के मुताबिक ये इस पानी को समंदर के साथ तशबीह दे रहा है तो मुश्बत इस तशबीह को गोया के ये इस जियादती में बहने में और जो खौफ उसमें पैदा हो रहा है इन सब चीजों में इस पानी को उस पानी को आपस में शरीक कर रहा है इसी तरह गैर जनास में भी हम जींस अशिया के अलावा गैर बहुत सारे खारिज में हजारों मिसालें हम बना सकते दे सकते हैं उससे साबित कर सकते हैं कि गैर जींस अशिया में भी बाज में कुली तौर पर बाज में जुजी तौर पर बाज में इसतारे के तौर पर बाज में तशबीह के तौर पर मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में उनको तशबीह दी जा सकती है शिरकत उनमें हो सकता है ये वो वो चीजें थी मतलब इब्तदाई तौर पर 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 इन 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 चीजों बहुत गुफ्तु तो, मुतकमी फलसफा की, की मनाती का किला के हम इस पर तफसी बहस कर सकते हैं लेकिन बस इतना बात मैं साबित करने कोशिश कर रहा था सुनने वालों के जहन में डाल रहा था कि देखो खारिज में भी मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी इनसे साबित होता है कि जींस में भी इंसान के शिरकत हो सकती है और उसके लिए भी और भी और भी, जहनी भी मिसाले इसमें आ गया ठीक है, है इसमें जो है वो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आफ्ताब हुसैन साहब का जो मकालमा है वो स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी चीजें बिल्डअप करते हैं ऐसी चीजें बुनियाद में रख रहे हैं जहाँ आगे जाके उनको अपने इमाम को साबित करना वो उनका मकासद है हम आगे की जो तने अपने प्रोग्राम है हिस्सा दो आएगा बुनियाद बनाया ना जिन पे तमहीद बांध दी है वही गलत हो आपने पहले ईट जो है ना बुनियाद ही गलत रख दी इमारत की तो वो चू मेमार नहत दीवार खशत अवल चू ता मैमारास मीर अव दीवार वो शेख सादी ने फरमाया कि जब मेमार गलत रख दे तो तहत आसमान तक पहुंच जाए दीवार तब भी जो है ना सुरैया तक भी जाए वो दीवार टेढ़ी रहेगी तो इनका जो बुनियाद है कि मोमिन मुशरक नहीं हो सकता हम जिस में शिरकत नहीं हो सकती है ये ये कहाँ से इन्होंने बुनियाद रसूल उठाया है ये किसी फलसफा मुनातिका ने इनको वजह नहीं किया है और की आयत जहाँ उन्होंने इसमें तो इस जो है वो मैं आपको बताती चलू कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम ये सीरीज बढ़ती जाएगी इसका पार्ट टू और इसका जो हिस्सा तीसरा होगा आपके सामने तमाम चीजें खुल जाएंगी की इन्होंने बुनियाद गलत क्यों डाली क्यों ये, ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह के साथ किसी को दुआओं में पुकारा जाए तो वो मुशरक नहीं होगा ये आगे जाके सारे राज खुलेंगे इस्माइली मिशनरी यही काम करते हैं इन मौलाना कासिम इनकी जो बुनियाद है उसी को आज ढेर कर देंगे और ये पंद्रह मिनट की वीडियो है आगे चल बढ़ते हैं प्रोग्राम में तेजी से ताकि प्रोग्राम कवर हो सके के सुरे आयत नंबर सौ में इर्शाद है सुबह नह व ता अम या सिफू वो उन बातों से जो उसकी नस्बत बयान करते हैं पाक है और उसकी शान उनसे बुलंद है और इनमें से एक और नुमाइंदा आयत जो सुरह इखलास की आखिरी आयत है वलम कुफुअन अहद जिसमें खुदाबंद ताला लफ कुफुअ फरमा कर अपने आप को किसी भी मिसाल से पाक बरतर करार देता है ऐसे कुरानी अहकाम से वाजह है कि खुदा किसी भी मखलूक की मिसाल बनने से पाक है खुदा की कोई मिसल नहीं है खुदा का जैसा कोई नहीं है खुदा का कोई हमसर नहीं है इन्हीं आयात को लेते हुए इस्लाम की इब्तदाई तारीख में अहल तनि मोताजिला के नाम से एक ग्रोह बना जो खुदा की मिसाल को कुफुर और शिर करार देता था ये गुरु कहता था कि खुदा किसी भी मिसाल यानी किसी भी खुदा की कोई मानंद नहीं खुदा की कोई मिसाल नहीं अगर कोई खुदा की कोई मिसाल मुकर कर दे तो वो मुशरक है वो काफिर है तो जबकि दूसरी तरफ कुरानी शरीफ़ में ऐसी बहुत सी आयात हैं जो अल्लाह ताला को इंसानी सफ़ात से मुतसिफ करती हैं मसलन खुदा का चेहरा फ़ाइनमा फ आमाफ दो की आयत नंबर एक सौ पंद्रह में फरमाया गया तुम जिस तरफ भी देखो कि खुदा का चेहरा आपको नजर आएगा खुदा के हाथों की बातें हैं बल मखसूद पांच की सूरत नंबर पाँच की आयत नंबर चौंसठ खुदा की पिंटली योमय शफ व सुजूद फला यस्तून सूरह नंबर अड़सठ की आयत नंबर बयालीस खुदा की आंखें सूरह नंबर बीस आयत नंबर उनतालीस खुदा का उतरना सूरह दो आयत नंबर दो सौ दस खुदा का पहलू जम्बुल्लाह सूरह नंबर उनतालीस की आयत नंबर छप्पन और खुदा का फरिश्तों के साथ आना वजा रब का सफन सफा सूरह नवासी की आयत नंबर बाईस वगैरह इन तमाम आयात से यूं लगता है कि खुदा एक शख्स की तरह है या एक शख्सियत में है। मौलाना कासिम साहब इसमें उन्होंने बहुत सारी आयतों का जिक्र किया अल्लाह की जो मिसालें हैं उनका जिक्र किया है मेरे जहन में एक और प्रोग्राम था कि ये अक्सर इसमाइली हजरात जो हैं वो हजरत अली के हाथ की लिसान अल्लाह की जबान अल्लाह की चे वह यह सारी बातें करते हैं अगर उसका अलग प्रोग्राम बना लिया जाए या फिर आप इसका कोई मुख्तर सा जवाब दे ताकि मैं इस वाले टॉपिक को बहुत ही एक वसी पैमाने पे, एक वीडियो के तौर पर चाहती हूँ अपलोड करूँ तो आप जरा रहनुमाई कीजिए मुख्तसर जवाब दे दीजिए इनशा अल्लाह सुबहान के जो सिफात है इस सिफात के बारे में कुछ उन सिफात है कुछ सिफात फैलिया है और इन पर तफसीली डिटेल से इन प्रोग्राम करेंगे मेरे भी, मेरे भी ये ये वाज हो जाए लेकिन आज मुख्तर तौर पर ए, मैं इतना अरज करना चाहूंगा इस सवाल के जवाब में कुरान में दो कस्म की आयत है ना वल लधि ये अनाम की आयत नंबर सात में है कि वल अल्लाह सुबहानो तल किताब ए पैगम्बर सल अल्लाह वसलम आप पर उन्होंने किताब नाजिल की महू आयात महकमत उनमें से अक्सर आयतें है वो हैं कि जो महकमत है बिल्कुल वाजह है अहकाम उसमें बिल्कुल वाजह है असल किताब है महकाम के मतलब असल बुनियाद है वो असल बुनियाद वो वो है हुन, न्न उम्मुल किताब वही तो उम्मल किताब है असल किताब है मुहकम है वतशा बिहार दूसरे वो आयतें हैं जिनको मुतशा कहा जाता है है बिहात है मुतशा बिहत कौन कौन से हैं अलिफ अलिफ़ अलिफ़ लाम़ लाम़ मीम रा अलिफलामरासिन हामीम सीन गौफ, नून गौफ। ये भी है। और जितने आयतों का मशनरी साहब ने जिक्र किया वो तमाम में से है वो तमाम मुतबहत में से है उनके बारे में इन्होंने जो राय पेश की उस पर भी मैं बात करूंगा और हमारे उलामा किराम मुफसरीन उजाम मुहदसिन सहाबा कराम अहले ने उनके बारे में क्या राय पेश की वो भी इन मैं आपके सामने रखूंगा मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा तो ये जो मुतशात है इसके बारे में इस आयत में भी थोड़ी बात हो रही है कि मुतश क्या चीज है फमीन फीलूब रही वो लोग रहे वो लोग फीलूबहन जिनके दिलों में कजी है टेढ़ापन है फैत अलफितना तो वो पीछे पड़ जाते हैं इन मुत के इन मुतशब आयतों के पीछे पड़ रहते हैं क्यों? इब्तिगा अल फितना ताकि वो फितना पैदा करे इबत तावीली और वो इन आयतों की तावील तलाश करे यालमु मुताविलहू ये जो सारी आयतें अल्लाह के हाथ चेहरा साख पिंडली नीचे ऊपर आना जाना और ये जो जितने मैंने आयतें मीम हा मीम आइन सिन कह पढ़ी हो इनकी तावील को कोई नहीं जानता है सिवाय अल्लाह सुबहान के असल हकीकत अल्लाह ही जानता है यहाँ पर वक्फ लाजिम है, है। यहाँ निशान लगे होते हैं कि वक्फ नबी वसल्लम लिखा होता है यहाँ पर स्टॉप करना लाजिम है और यहाँ पर ने भी किया है वरना आयत का माना तब्दील हो जाएगा कुरान के तमाम नसूख में लिखा होता है जिनको अल्लाह तबारक व तै ने रसूख दिया है जो कुरान को जानते हैं रसमुलख को जानते हैं पसे मंजर को जानते हैं पूरा कुरानी मजीद उनके सामने उनके जहन में मुस्ज़र होते हैं तमाम आयतें तमाम अहादीस का जखीरा जिनके जहन में है अल्लाह तबारक ने उम्मत का उनको उम्मत की तालीम पे लगा दिया है उम्मत की रहनुमाई करते हैं नेक पारसा पाकिजा पा लोग होते हैं उम्मत के लिए अल्लाह तबारक ने उनसे बड़े काम लिए है वो उलामा जिनका इलम मजबूत है यकुल ना भी वो भी इनको छेड़ते नहीं है तावील करने की कोशिश नहीं करते हैं ताकि है। वो कहते हैं परमा करबाप ये वो नसीहत है वही लोग हासिल करते जो अकल वाले आखिर में ये ये जो मुतबहत है इसमें उलमा का मुफसरीन का एलम वालों का इम्तिहान है ताकि इसमें पढ़ के इधर उधर की बातें निकालते हैं या इस पर चुप करके अमल करते हैं जो अमल के लिए कबर में हशर में क़्यामत में सवाल होगा उनके अहकाम बिल्कुल कुरान मजीद में ओपन है ये चंद एक मकामा के पीछे पढ़ के इसे कुछ निकालने की कोशिश फितने के सिवा कुछ नहीं है एक बात अब आते उनकी तरफ कि इनसे क्या मुराद है वो तो इसे कह रहे हैं कि अल्लाह सुबहान तो क्योंकि उसका हम सर नहीं है वो नहीं मुराद है तो उसके लिए दूसरा कोई ऐसा वजूद तस्लीम कर रहा है इन्हीं के जरिए से कि हाथ से मुराद इस फर्द का हाथ है पैर से साफ से मुराद इसका है हालांकि नहीं यहाँ सब अल्लाह रहमान में आता है कुल्लु मन आ रही है कोई दूसरा फर्क नहीं हो सकता है बहरहाल ये जो हाथ जितने हैं इनके बारे में एक कौल तो ये है कि यहां जहा अल्लाह का चेहरा अल्लाह का हाथ अल्लाह के साख ये जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये है इनका वजूद अल्लाह के शाया निशान है अल्लाह के शाया निशान है उनके बारे में हम इंसानों की तरह हाथ पैर सर जो जमान के भी मोहताज है मकान के भी मोहताज है नहीं अल्लाह सुबह जमान मकान से पाक है वो किसी चीज के अंदर हरूल हु नहीं कर सकता है महदूद नहीं हो सकता है जब ये नहीं हो सकता है तो अल्लाह के शाया निशान उनके आजा होंगे जो हमारे अक्ल फहम इन चीजों में नहीं आ सकता है दुनिया में नंबर दो दूसरी है कि पर अल्लाह का हाथ चेहरा इस्तेमाल हुआ है यहां इसका माना यह है कि जहां वजह है अल्लाह की जात मुराद है जहां तो तो आया है अल्लाह की नुसरत मदद कुदरत तगवीन निजाम सिस्टम को चलाने का जो अल्लाह तबारक वाल के हाँ एक निज़ाम है वो मुराद है मसला एक एक आयत का तर्जुमा भी मैं करते रह्मान, रह्मान को ही लेते हैं है फान तमाम चीजें खत्म कोई, कोई चीज़ नहीं रहेगा वय कावज हो रबीजलाम अल्लाह का सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा तो इससे आपके जहन में क्या आया कि अल्लाह के भी तमाम बाड़ी खत्म हो के सिर्फ चेहरा बाकी रहेगा ये तर्जुमा कर सकता है कोई नहीं यहाँ पर यही होगा ना कि तमाम चीजें खत्म सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी तो देखिए वज से यह मुराद है वो जैसे अल्लाह की जात है उसके शया निशान है वो मुराद है यहाँ पर अगर आपने चेहरे चेहरा ले लिया तो जाहिर बात है कि चेहरा बाकी रह के अल्लाह का वो बाकी पूरा वजूद बाजू हाथ पर अगर आजाद बिलफरश इनके यहाँ मान लिया जाए तो सब खत्म हो एक चेहरा बाकी रहेंगे क्या मतलब तो यहाँ से अल्लाह की जात मुराद है जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है एक एक तो बंदा तो है कह रहे कि उनके साथ नुसरत नहीं है नुकसान हो सकते हैं शैतान आसानी से फुसला सकते हैं लेकिन जब तो ग्रुप हो जाए जमा ज्यादा अफरात हो जाए अल्लाह का हाथ उन पर है मतलब अल्लाह की मदद उनके साथ है अल्लाह की नुसरत उनके साथ है तो इस तरह जहां जहां मौके मुनासिबत के लिहाज से मुफसरीन बात के उनका तर्जमा करते हैं अब ये है साहब जहां मुसलमानों के दो फिर कहते जिनका तस्करा कर रहा है तो, जबरिया, मोतसिला, मुशबा ये गुमराह तरीन फिरके थे मोतसिला तो, इसलिए कह कहा जा रहा है किन्ना यह मुसलमान उनकी जमात से निकल गए थे और अपने लिए ऐसे ऐसे, ऐसे अकायद गढ़ लिए थे कि गुमराह तरीन फिरके इनके और थे मुसलमानों की जमात से नहीं थे मोतजिला अच्छा आते हैं दूसरी तरफ जबरिया उनका अकीदा ये होता था कि इंसान मजबूर महज है जो तकदीर में लिखा है बस इंसान को उसके पीछे चलना है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता तो भाई जो जो कुछ नहीं कर सकते तो उसको उसको अजाब देने का भी को, कोई हक तो नहीं है ये थे अल्लाह इनको अजाब नहीं, नहीं दे सकते जब ये मजबूर है मैं ये अकैदे है उनकी कदरियत है कदरियत उनका भी एक अकैदा ये था कि नहीं इंसान तकदीर कुछ भी नहीं है इंसान जो तो करते, तो करते है, अपने मर्जी से करते है, ऐसे अकैदे रखते थे इनके उनके दलाइल पकड़ के हिसाब ला रहे हैं उनके अकीदे लाकर जाहिर बात है कि इनके अकैदे भी उनसे मिलता जुलता है तो उन्हीं से इसदलाल करके उनके अकीदे को लाएगा में हमारा कोई दलील के तौर पर पेश करना हो अशायरा मातुरदिया इन दो के दराइल हम मानेंगे इनके अलावा नहीं क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये थे अशायरा में एक बुजुर्ग गुजरे थे हाँ उनके जो अकायद है वो वो, वो हमारे हैं मातुरदिया ने जो अकीदे कुछ बयान किए हैं अल्लाह सुबहाना है। तो उनके ज़ात सिफात वगैरह के बारे में मातुरीदिया अशायरे के अक़ायद ठीक है हमारा कैदा उनके मुताबिक है उनके अकायद को हम मानते हैं कोई दलील लाना हो हमारे मुकाबले में हमें पेश करना हो तो इन दो बुजुर्गों का और मोतजिला गुमराह फिरके अपने दौर के उनके आप दलील पकड़े बाहर अपने लिए पकड़े हमारे लिए उनकी दलील नहीं बनेगी क्योंकि वो अपने दौर में भी अः मोतजला इससे कहा जाता था कि एजजलान ना उन हमसे निकल गए थे और हद से कर तुझिए तवुज करने को थे। जी तो इसका मतलब ये कि जो गुमराह कुन फिरके हैं उनके अकायदों को और मजीद तोड़ मरोड़कर हमारे सामने पेश किया जा रहा है ताकि एक बुनियाद बनाई जाए के अल्लाह के अगर हाथ है तो एक फिर कहता है कि अल्लाह जहरी नावजुबल्ला कोई शख्स है और फिर एक फिर वो है जो बिल्कुल भी इन मिसालों को नहीं मानता इसके इसी वीडियो में ये कहते हैं कि ये दोनों जो है अपनी अपनी जगह सही भी हैं और अपनी अपनी जगह गलत भी हैं क्योंकि दोनों की दलाइल जो है वो कुरान से मिल जाते हैं ये इस तरह की तहमीद बांध रहे हैं इस तरह की बेस बना रहे हैं मुझे आज समझ आता है जब मैंने इनका ये प्रोग्राम सुना और पैंतालीस एक घंटा पैंतालीस मिनट का जो लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा हदीस नहीं पढ़ी वो वाकई में इनको क्यों सुनते हैं और क्यों उनके बहकावे में आ जाते हैं ये बहुत बड़े फितने हैं मैं आपको साफ बता आप देती हूँ अभी हम इनकी बातें आ जाइए आगे हजरत आदम आसम की तखलीक पर और देखिए ये जनाब क्या कहते हैं इबलीस के बारे में से जाना जाता है गुरु वो पर ईमान नहीं रखते हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने कुछ डाल दिया अब इस मरहले पे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन दो किस्म की आयत पर बैक वक्त कैसे अमल करें ये तो वही आपके सवाल के जवाब जैसे लामोहला बिबाजिल किताबी व तक फरूना क्या तुम किताब के रसूल आपको कोई ऐसा मुसलमान नहीं क्या या। कोई शख्स खुदा व रसूल की और, और नबूवत या खुदा की वहादत पर यकीन ही नहीं रखेगा अगर जो नहीं रखता है वो तो दिन के अंदर ही नहीं है और जो अंदर यकीन रख के आता है तो कुरान को खुली तौर पर मान के आता है तो खुदा वन की इस इर्शात की क्या माने हैं एक कि बाज़ आयात पर यकीन रखते हैं बास पर नहीं रखते हैं जी मौलाना कासिम साहब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कुरान की आयत है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुरान की कुछ आयतों को मानते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है वो अल्लाह को भी माने अल्लाह के रसूल को भी माने तो वो जाहिर सी बात है कुरान को भी मानता है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आयतों को छोड़ देते हैं इन आयतों को नहीं मानते इन्होंने ऐसा किया कि मुशबा के लिए एक अकीदे निकाले और दूसरे जो फिर मोतजिला उनके लिए एक निकाल के उनके साथ फिट किया अब इसने कहा कि दो दो लाइन बनाए ना दो लाइन हाँ। बना के, के, रहे के देखो ये अकीदा रखो तो बास कुरान कहते रहती है वह अकीदा रखो तो ये बास रह जाती है ना तो उनको दो ग्रोह करके दोनों गुमराह है उन दोनों को अलग करके ए, और बाज ये अगर इसको मानो ये रहते हैं ये आएते हैं इन इनकी मानो वो रहती हैं तो, तो अल्हम्दुलिल्लाह न हमारा अकीदा मोतजिला का है न हमारा अकीदा मुशबा मौ, मौ, का है तशबीह जो के कायल थे और न हमारा अकीदा खवारिज का है और ना मोतजिला का है अल्हम्दुलिल्लाह हम अकायद में अशायरा और मातोरीदिया उनको फॉलो करते हैं ठीक है यानी कि इन्होंने एक बेस बना दी कि अगर तुम आयतों को नहीं लेते तो तब भी तुम पर अगर लेते हो तब भी फिट होती है हमारे नहीं बल्कि मुफरीन का उस दौर से अब तक जो राय थी वो मैंने आपके सामने रखी निशान है तो आजा और अगर दूसरा तर्जुमा इसे कुदरत जात और जो है ना है। मदद नुसरत उस मौका मु, के मुनासिबत से आयत किए शान नजूर उस मौका मुनासिबत से अहलब उसमाम ने सहाब कराम ने और मुफसरीन ने अब्दुलबिन अब्बास ने हसरत अली रजी तुमने जो तर्जुमा पेश किया वो हम मानते हैं ठीक है माना कासिम साहब असल सवाल की तरफ आ जाते हैं टाइम भी बहुत कम रह गया, एक घंटे के अंदर हमें यह प्रोग्राम कंप्लीट करना जल्दी से सवाल चला देती हूँ तो ये उन लोगों की बहाल नहीं हो सकता है हम खुदा से मदद उताई तलब करते हुए इसके हल के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद से रुजू करते हैं बड़ा हल करने क्योंकि हर मसले का जो हल है वो कुरान इस सिलसिले में हर मसले का हल कुरान में है लेकिन अब आप देखिए कि इन्होंने इस कुरान को ही कैसे मसला बनाया है जरा सुन लीजिएगा सूरा नंबर सात आयत ग्यारह ता सोलह हम इसको सही मानों में फिर ये आयत शिर्क को हकीकी तौर पर समझने के लिए एक बेश बहान खजाने की हैसियत से हैं। मसलन ये आखिर शैतान ने ऐसी क्या गलती की थी कि खुदा वंद ताला ने ऐसी सख्त सजा मुकर की वाहिद की आम जो तारीफ है उस तारीफ के मुताबिक शैतान का वाहि है क्योंकि शैतान ने कभी भी खुदा वाद के लिए सही से इनकार नहीं किया है बल्कि वो तो सुरह नंबर पंद्रह आयत नंबर उनतालीस के मुताबिक खुदा को रब कहा है ए मेरे रब कहते हुए खुदा के अलावा किसी और को सजदे से इनकार करता है गुरूरी सही लेकिन खुदा के सिवा किसी और के लिए सजदे से इनकार करता है इस तरह से तकबर का गुनाह सही लेकिन शिप के गुनाह से बाजाहिर शैतान बचा हुआ लगता है उसने शिप नहीं किया था आमतौर पर लोग कहते हैं कि खुदा को मानना उसके अलावा किसी और के लिए सजदा न करना यह तोहीद है तो यह तो शीखान ने भी किया था उसने आदम को सजदा नहीं किया अब मजीद पर शिरक से मुतालिक तमाम कुरानी आयात शरीफा का जायजा लिया जाए तो सतही तौर पर ऐसा लगता है कि शिरक से मुतालिक खुदा के अहकाम बज़ाहिर एक दूसरे के मुतजाद हैं एक तरफ तो खुदा अपने सिवा किसी को सजदे से मन फरमाता है और दूसरी तरफ फरिश्तों से बशमूल इब्लीस कहता है सजदा करो ऐसे आदम सलाम को जिसको मैंने मट्टी से बनाया मौलाना कासिम साहब पांच मिनट की वीडियो है शॉर्ट में बता देती हूँ इनके हिसाब से नाउजुबिल्ला अल्लाह के अहकाम में तजाद है एक तरफ कहते हैं किसी को सजदा जायज नहीं दूसरी तरफ शैतान को इसी बात पे इतनी बड़ी सजा दे दी जबकि अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं सब माफ कर सकता हूँ शिरक नहीं माफ कर सकता लेकिन ने शिरक तो नहीं किया था सिर्फ उसने नाफरमानी की थी यानी तकबर किया था इन्होंने कुरान जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुरान बड़ा आसान है और उसमें हर मसले का हल है इन्होंने जान के उसमें एक मसला बयान कर दिया बयान फरमाइए ये जो है ना अपने बातों में ना तजादात में जाता है बात करते करते इनको पता नहीं चलता है भाई तो शैतान तो ने शर्क नहीं किया था शर्क से भी ऊपर गुनाह किया था किया था, कुफुर देखे, हम शिरक को मुसलमानों के लिए बड़ा गुनाह कुरान ने करार दिया मोमिन ईमान लाने के बाद ही अमल करता है तो बहुत बड़ा गुनाह है उसके लिए कि भाई ईमान ला रहे हो फिर भी शिरक कर रहे हो मोमिन के लिए शर्क की मुआफी नहीं कहा भाई उससे बड़ा गुनाह और है निफाक शिरक से भी बड़ा गुनाह है कुुर शरीक से भी बड़ा गुनाह है वो चूंकि काफिर कुफर पे होता है इसलिए काफिर से इन्हें कहा जाएगा जो अल्लाह को ही नहीं मानता है अल्लाह की जात को नहीं मानता है, है। उससे कहा जाएगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो वो तो कहेगा मैं तो अल्लाह की जात को ही नहीं मानता हूँ शरीक तो बाद की बात है ठीक है, है, है ना तो फरिश्ते यहां पर इबलीस ने क्या किया था अल्लाह तबारक वाला उस जुदू सजदा करो इसको नहीं नहीं, माना था। फस जदल इल्ला इबलीस अबा इनकार किया। कहा कि नहीं, मैं सजदा करने वाला नहीं हूँ क्यों नहीं किया काल लम अकुल मिन सलसाल मिन मसनून। ये जो गारे से बशर बनाया है मैं इसको सजदा नहीं करता हूँ मैं तो खलक तनी मन्नार वो खल तो मुझे आग से इसको मिट्टी से मिट्टी नीचे आग ऊपर ये तो बड़ा जर्म किया था कुफर किया था इसने, अल्लाह के का इनकार किया था सजदे का अब आते तो हैं यहाँ इस मशनरी साहब को मुगालता हुआ है कि सजदे की दो किस्में होती है एक सजद होता है इबादत के लिए सजद तबी एक होता है सजद ती यहां पर फरिश्तों मलाइका और इबलीस को हुक्म था सजद तजी करने का ताबुद्धी नहीं क्योंकि बताना था कि आदम सलाम अजमत में फरिश्तों से और जिन्नात से बढ़कर है सब कुछ सिखा दिया आदम सलाम को फिर कहा कि इनको बताओ फरिश्तों से पूछा उनको नहीं पता चला फम भी हों भी सब चीजों के नाम बताओ आदम ने सब चीजों के नाम बता दिए कहाजील को मालूम है तुम्हें नहीं है नहीं लिहाजा के पर में जुग जाओ सलाम के सामने। इसी का इनकार किया था वकान अमीन का लिए कहा जा रहा है कि इनकार करके कुफुर किया उसने काफिर हो गया ये तो शरीक से भी एक दो कदम ऊपर का जुर्म किया था देखो यहां पर जो सजदा है वो ताजीमी था आजमत सलाम की अजमत फरिश्तों पर इंसानों पर दिखाने के लिए कि ये तुमसे बढ़कर है इनको ये सब चीजें मालूम है तुम्हें नहीं है लिहाजा तुम्हारा एतराज करना फरिश्तों का कि हम आप एतराज नहीं सवाल करना कि हम सब आपकी इबादत के लिए मौजूद है आदम आलाम की क्या जरूरत है इंसानों की वो तुम्हारा वो, वो कहना गलत था इसके पास इलम है तुम्हारे पास नहीं है लिहाजा ताजीम अजमत के अपना बड़ा समझ कर बुजुर्ग समझ कर इसके सामने सजदा करो यह सजदादी नहीं था इस ताजीमी सजदे के इसमें पर शैतान को सजा मिली है वाला होता तो उससे भी बढ़कर हो जाता बहरहाल उसके बाद तमाम उम्मतों में आदम सलाम की उम्मत में भी सजदे ताजीमी की इजाजत थी कोई बड़ा बुजुर्ग घर में आए उसके लिए सजदा करने की इजाज़त थी अजमत के तौर पर इबादत के तौर पर कभी भी किसी शरीयत में किसी इस्लाम में रवा नहीं रहा है तो उसके बाद सलाम, 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 शीस अलैहि सलाम मूसा यहां तक के ईसा की शरीयत तक झुक कर रुकू के तौर पर सजदे के तौर पर किसी की तजीम करने की इजाजत थी रसोल सरत में यह खत्म कर दी गई क्यों क्यामत तक के लिए रसोलम की शरीय है लिहाजा श्रिक से महफूज करने के लिए कि लोग किसी के सामने झुक कर उसकी कहीं इबादत ना करने लगे उससे मदद ना मांगने लगे उसी को अपना हाजत रवा न मांगने लगे इसीलिए कहा कि किमत तक अब किसी के लिए ताजीम के तौर पर भी झुकने की इजाजत नहीं है एक सहाबी गए उधर फारस की तरफ उधर जाकर देखा लोग अपने बादशाह के सामने झुकते हैं वापस आकर रसोलम के सामने झुक गए फौरन का खबरदार सर उठाओ मुझे अल्लाह के साथ शरीक मत करो कहा कि अगर सजद जायज होता किसी को सजदा करने की इजाजत होती मेरी उम्मत में ताज़ीमी सजद भी तो मैं शौहरों को बेगमात को हुक्म देता कि वो ताजीम के तौर पर अपने शोहरों को सजदा करे और मेरी उम्मत में सजद तजीमी की भी इजाजत नहीं है ताकि कहीं श्रक का शायबा भी बाकी न रहे वो भी हराम है और सजद ताबुदी तो कुफुर है सजद ताजिमी अब भी हराम है लिहाजा शौहर को भी बीवी सजदा नहीं कर सकती अगर होता तो मैं उनको हुक्म देता लिहाजा मेरे सामने भी सजदा नहीं करो और कोई किसी के सामने क़ियामत तक न सजद ताजिमी करे जो हराम है न सजद ताबुदी करे जो कि कुफुर है तो यहाँ आदम के मसले में शायद मशनरी साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहा है के आदम के अंदर नूरानियत थी उस नूर को सजदा करने की इनकार की वजह से इसको सजा मिली हालांकि बात ये नहीं थी न कोई कोई नूर नहीं कुछ भी नहीं हाँ नूर हिदायत मानते हो तो अम्बिया तो सलाम में है सब मानते हैं लेकिन उसको सजदे की इजाजत खत नहीं है यहाँ पर सिर्फ तजीमी सजदा थी जो कि बहुत सारे चीजों से ये ताजीमी है कह के बहुत सारे, सारे दलाइल से मैं साबित कर सकता हूँ ये तहबुदी नहीं था बुदी तो की दावत दे रहे थे अल्लाह के अलावा किसी के लिए इबादत जायज़ नहीं है तो वो फिर उनके सामने अल्लाह कैसे इबादत वाला सजदा करा सकते हैं अल्लाह के अलावा किसी हम नबी को किसी के लिए भी सजुदी रवा नहीं है वो तो नतिया से, से साबित है कुरान हादीस में जी अच्छा यहाँ पे कमेंट्स में एक सिस्टर कह रही है कि सवालों के जवाब चाहिए तो सिस्टर ये प्रोग्राम बस अब दस मिनट में खत्म हो जाएगा उसके बाद जो इस प्रोग्राम का सेकंड हाफ होगा इसमें आप लोग कॉल पे भी आ सकते हैं और हमसे सवालात भी कर सकते हैं तेजी के साथ अच्छा कासिम भाई आपने बहुत अच्छा इनको पकड़ा क्योंकि अब जो ये बात करने लगे हैं वो आपकी बात की तइद है कि ये क्या साबित करना चाहते थे ये सुन लीजिए अब का जो इरशाद है खुदवन् तला शिर्क को नाकाबिले माफी गुनाह करार देते हैं शिर्क के मुतालिक हम जब देखते हैं कुरान में तो सूरह नंबर चार आयत नंबर अड़तालीस में खुदा वाली फरमाते हैं इन या युशरक बिही व मा फ़िर माधो नजाल कली व युशरिक बिल्ला फ़क़द इफतरा इसमन अजीमा अल्लाह ताली उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दें और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्र किया उसने बड़ा बुख्तान बांधा इस आयत के मुताबिक देखें कि तमाम गुनाह माँ सिवाय शिर के तोबा की सूरत में काबिल माफी हैं या दूसरे लफ्जों में सिर्फ़ शिरक ही हर तरह से नाकबिल माफी गुनाह है कबीरा है और बाकी सब गुनाह तोबा के बाद काबिल माफी हैं इससे मामला मजीद उलझता है हमने देखा कि शिर के अलावा शैतान का आदम के लिए सजा न करना भी नाकबिल माफी है ख़ुदा ने एक तो शिर को नाकबिल गुनाह माफी करार दिया और इसके अलावा किसी और गुनाह का जिक्र नहीं किया लेकिन हालात वाकयात से हमने ये देखा है तारीख से कुरान से कि इब्लिस को भी उसका जो गुनाह था वो माफ नहीं हुआ तो इससे हम क्या नतीजा निकाले नतीजा तौर पर दो ही नतीजे निकलते हैं एक ये कि खुदा सिर्फ शिर को नाकाबिली बनाकर नाउज बिल्ला इस असूल में शैतान का तस्करा डाल ना गया या ये कि शैतान का गुनाह भी बिलवासा शिर नतीजा मुहाल और नाकाबिल तस्वुर है लिहाजा ला मुहाला सिर्फ एक ही सूरत रह जाती है कि शैतान का गुनाह भी दरअसल शिर है ये वीडियो कंप्लीट हुई ये सात सवाल हमने बनाए थे इनके हिसाब से आदम को सजदा ना करना शिरक था जी कासिम भाई शिरक नहीं ये बेचारा ये है ना कि इनको इतना भी अपने देखे अगर कहीं किताब उर्दू में लिखा हुआ ना हो तो इतना भी सेंस होना चाहिए कि कुफुर और निफाक जो है ना वो शिरक से बढ़कर गुनाह है शिरक चूंकि मोमिन मुसलमानों के लिए आमाल जो करते हैं चोरी डाका जीना शराब मिलावट धोखा देही, जितने भी गुनाह हैं इंसान कर सकता है पचास साठ बंदों को कत्ल ये जो गुनाह है इनके मुकाबले में सबसे बड़ा शिरक है क्योंकि वो काबिल मुआफी नहीं है क्यामत में क्योंकि उससे ईमान जाता रहता है असल जो बिल्कुल इनकार है अल्लाह के जद का एक दूसरे को शरीक है ना वो तो कुफुर इससे बढ़कर है अच्छा कुफुर से भी बढ़कर क्या है निफाक है असफल इन नार पांचवें पारे के बिल्कुल आखिरी सेकेंड लास्ट आयत है के मुनाफिकीन सब से नीचे वाले जहन्नम में होंगे जहन्नम के मुख्तलि तबकात होंगे ऊपर नीचे करके जन्नत के दर्जात ऊपर ऊपर होते जहन्नम के नीचे नीचे एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जो सबसे नीचे जहन्नम है जिससे जो है ना जहन्नम खुद उससे पनाह मांग रहे है। दिन में कई दफा कि यार यारहन्नम के इस हिस्से से मुझे बचाओ वह मुनाफिक को डाला जाएगा जो क्या करते थे ऊपर ऊपर कहते थे यार हम आपके साथ मुसलमान है नीचे नीचे मुसलमानों के लिए प्लानिंग करते थे जबान में कुछ और थे दिल में निफाक था जबान से मुसलमान कहते थे दिल में मुनाफत थी वो लोग सबसे नीचे उसके बाद कुफार फिर यहूद इस तरतीब से होकर मुशरिक का दर्जा ऊपर है उस इससे मतलब जो नीचे है ना वो सबसे बड़ा है मुनाफिक फिर कुफुर है। उसके बाद श्रिक का दर्जा आता है हाँ मोमिन के लिए आमाल में गुनाह जितने करते हैं ईमान लाने के बाद चाहे चोरी हो डाका जीना कत्ल जितने भी गुनाह के बाद इंसान सोच सकता है उन गुनाहों में उनकी मुआफी है जहन्नम में पिटाई करने के बाद एक वक्त आएगा कि वहां से निकल के इंसान एक वक्त जरूर भी जरूर ऐसा आएगा जिसके दिल में राय के बराबर भी ईमान हो जहन्नम से निकलेगा लेकिन शिरक करने वाला नहीं निकल सकता है इन अल्लाह फिर रिश्ते कभी काफिर तो डायरेक्ट ही है हैफुर तो उससे बहुत बड़ा गुनाह है शैतान ने बड़ा गुनाह कुफुर किया था अल्लाह के हुक्म उस जुदू का इनकार किया था अल्लाह का इनकार ना मानना वही तो कुफुर होता है को नहीं माना था एक इन्ना करना वो अलग चीज है जैसे नमाज इंसान नहीं पढ़ता सुस्ती वो गुनाह है फिसक है एक कि नमाज को मानता ही नहीं हूँ यहाँ हुक्म को नहीं माना था शैतान ने सुस्ती काहली की वजह से सजदा नहीं किया था नहीं कहा था कि मैं तो बड़ा हूँ ये तो नीचे है मैं ऊपर हूँ लिहाजा मैं इसको कैसे सजदा करूँ मैं नहीं मानता हूँ तुम्हारी बात यह कहा था शैतान ने और जो है शिरक नहीं किया था शिरक कोई नहीं किया था शैतान ने कुफुर किया था इनकार किया था कुरान खुद कह रहे अबा वस्तक बरा मिनल अमीन काफिरीन इतने वाजे आयत होने के बाद आपको फलसफी मनातिका की तरह सुहरा कुबरा कुलिया मुलिया मिला के नतीजा निकालने की क्या जरूरत कुरान वाजे कह रहे अबा वस्तक बरा वकान अमीन जी वो हदीस भी, भी, भी लेते हैं या या उसको हाँ हदीस वाला जो टॉपिक है वो मैं सवाल आपसे करूंगी क्योंकि स्टार्टिंग में वो मुझसे मिस हो गया इन्होंने कहा था कि वो हदीस है कि मेरे मेरी उम्मत में मेरी कौम में शिरक इतना पोशीदा है जैसे कि काली रात में एक काले पत्थर पे एक चूटी की आहट वो तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम एक घंटा हो चुका है हिस्सा अव्वल मुकम्मल हुआ इसके मुताल जो भी सवाल होंगे इन हम व्हाट्सएप पे और उसके अलावा जो अभी हमारा प्रोग्राम सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा आप जिस जगह हैं, जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, उसी पर रहिए और हमें दोबारा तो एक घंटे का हो गया है तो वो हदीस फिर किसी दिन प्रोग्राम में रखिए, कल भी रख सकते हैं हम सैटरडे को भी रख सकते हैं ठीक ठीक जैसे आप कहें सवाल उनके थे... आ गए अगर अभी रखना है तो मुख्तसर तो नहीं होगा उसको बयान करते करते भी दस पंद्रह मिनट तो लग ही जाते हैं ठीक है अच्छा दूसरा यहाँ पे एक भाई ने मौलाना कासिम कहा है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आफ्ताब साहब के साथ सवाल कर सकें तो शायद मौलाना कासिम साहब को भी याद होगा बल्कि मौलाना कासिम साहब ने ही आफ्ताब हुसैन साहब को एक चैलेंज किया था लाइव प्रोग्राम में लाइव स्ट्रीम में जो हमने उन तक पहुंचाया आज का प्रोग्राम भी हमने आफ्ताब हुसैन साहब को दिया है उन्होंने देखा लेकिन उसका जवाब नहीं दिया इसके बाद हमारे जो अगले भी प्रोग्राम्स आएंगे अगर आफ्ताब हमें डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनको हमेशा लिंक देते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके छोटे मोटे उलमा से बात नहीं करना चाहता मैं किसी बड़े आलिम से बात करना चाहता हूं। और इस तरह क्या कि उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली थी मौलाना कासिम साहब आखिर में आफ्ताब हुसैन के नाम एक पैगाम ताकि जो हम हिस्सा दो स्टार्ट कर लगे उससे पहले भी हम उनको एक किस्म का दावतनामा देखते ये नाम दो पैगाम है एक, एक तो एक ये है कि भाई आपने बहुत सारे कुरान की आयतें पढ़ी है आपको मालूम भी है शिर की आयत आपने पढ़ी तर्जमा भी बड़ा अच्छा किया तो थोड़ा और कोशिश करें इनको मान भी ले कुरान को और बहुत सारे हिस्सा आपसे रहता है आप मखसूस आयतों के पीछे बाज दूसरे आयतों को भी पढ़ ले तफसील के साथ मुफसरीन की तफसील के साथ इनशाला इन अल्लाह से हमारी दुआ भी है आपको हिदायत मिल जाएगी और तो जहाँ तक बड़े से बात करने की है बाकी ठीक है हम छोटे हैं हमें तो छोटा इतना हूं मैं अपने आप को मौलवी कोई आलिम नहीं कहता तो, हूँ मैं एक स्टूडेंट तलब इम हूँ आप बड़े उलमा से बात करना चाहते हैं वो तो नूर उन अला नूर बहुत अच्छी बात है हम आपके सामने लाएंगे दरख्वास्त करेंगे इनशा कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद आपके भी हमारा भी मरकज है और आप तशरीफ लाए आप चाहे मौलाना मंजूर मेंगल साहब हमारे बुजुर्ग है बड़े हैं उनसे ताल्लुक़ है हमारा मौलाना इलियास गुमन साहब या उनके शागिद है मौलाना अब्दुलवाहीदशी साहब इनसे भी ताल्लु रबा रखेंगे बड़े उलमा से बात करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह वो तो इस फन मुनाजिर बातचीत के माहरीन है हम तो तालबलम हैं उनके स्टूडेंट है सिर्फ वो इस फन के शे है आप तशरीफ लाए फिर उसके बाद इन दूध का दूध पानी का पानी होगा हमारी दुआ है कि वहां भी अल्लाह हक और सच को फतह दे और बातिल जो है ना वो जो भी है वो नाकाम ना हो खसरान हो अल्लाह तबारिक वाल उसको रसवा करे हक को फतह अता फरमाए दूसरी बात ये पहली बात थी दूसरी बात यह है कि आफ्ताब मशनरी साहब के बारे में जैसे आपने भी बताया हमें मालूम ये मिली है कि ये खानमत के हुंज़ाई साहब के कोई मुरीद है या जानिशीन है तो भाई वो तो हुंज़ाई है। तो है। आप तो यहाँ आकर इसमा की दिफा इस्माइली दानिश्वर के तौर पर अपने आप को क्यों पेश कर रहे इस पर आ, मेरे बहुत अजीजों को इश्कालात है कि आप बाहसीत इस्माइली जब आप सवाल उठाएंगे वीडियो डालेंगे तो हमारी तरफ से जवाब जरूर आएगा तो फिर अगर उसमें कोई तो इस्माइली मजहब की तोहन होती है तो फिर उसकी जिम्मेदार आप हैं हमारी तरफ से जो आलिम भी आकर जवाब दे जैसे जवाब दे हम तो इज्जत रिस्पेक्ट के साथ देते हैं लेकिन दूसरे किराम आएंगे चाहे वो जो है ना इस रुख के हो मुनाजरे के लाइन के हो चाहे वो दूसरे बहुत सारे फिर आपको पता है कि ये वीडियो आपके आडियो वीडियो उनके सामने आए खून अहल सुन्नत वाल जमात के नाम से जो गिरगित में और यहाँ मशहूर है पाकिस्तान में और जो है ना अरब मुल्कों में भी है उनके सामने आए तो वो दूसरे जबान से जवाब देंगे उसमें फिर इसमाओं को आप जवाबदेह होंगे कि आपने ये वीडियो बना कर इंटरनेट पर डाले हैं तो इधर से ऐसे जवाब मिले तो फिर ज़िम्मेदार यही होंगे इसमाियों की तरफ से रद्द ज़रूर आएगा हमारे बहुत अजीज ये रद्द करते कि भाई ये बंदा हमारा नहीं है ये हंसाई है इसमायों से इस इसका तल्लु नहीं है लेकिन फिर भी आप डालते हैं तो जवाब इन शाह हमारी तरफ से जरूर आएगा दिफा के लिए इस्लामी अहकाम को तोड़ मरोड़ दे तो चौकीदारी करना यह हमारा फरीजा है हमने कुरानदीज़ को थोड़ा पढ़ा है तो हमारा फरीजा बनता है कि हम चौकीदारी के लिए रोकने के लिए आए ये बताने के लिए कि भाई ये जो इमारत में इस्लाम के घुस कोशिश कर रहा है इसका निकाब उतार के देखें कि ये कौन है माशा अल्लाह अकबर कासिम भाई बहुत माशा आपकी बातें दिल को लगती हैं और जिनमें वजन भी है आफ्ताब अगले प्रोग्राम के लिए एक हाईलाइट दे देते हैं कि जिस तरह अभी आफ्ताब हुसैन के इस मकालमे का जो पहला पार्ट था इन्होंने कहा कि क्या इबलीस का गुना ये भी था कि उसने आदम को सजदा ना करके शिर किया आगे हिस्सा दो में ये वही बात करेंगे कि आदम के अंदर जो नूर था उसको इबलीस ने सजदा ना करके शिरक किया यानी कि वो भी नूर और जो हुक्म दे रहा है वो भी नूर ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा हिस्सा दो इंटेंस होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मकसद की तरफ आपको लेके जाएंगे जहां पे इनकी मुराद अल्लाह का नूर इनके इमाम में साबित करना है और वो ये करेंगे और उसका रद्द इनशाला फिर मौलाना कासिम अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र सेहत जिंदगी दे जरूर आकर करेंगे अल्लाह के हुक्म से जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं जहां आप मौजूद हैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे उसको रिफ्रेश कीजिएगा पार्ट टू इसी प्रोग्राम का स्टार्ट हो जाएगा लेकिन डिफरेंट हेडिंग के साथ उसमें हम सबको दावत देंगे बात करने की फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी दोबारा रिफ्रेश कीजिए प्रोग्राम एंड करते हैं यूट्यूब पे पार्ट टू स्टार्ट होने लगा है।